और छत्तीसगढ़ के महासमुंद के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर इलाज के अभाव में एक युवक की जान चली गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। वहीं मृतक के परिजनों के आरोप को हॉस्पिटल के सह अधीक्षक ने निराधार बताया है। दरअसल पेशे से शिक्षक 43 वर्षीय प्रभात गुप्ता निवासी रमन टोला की पत्नी काजल ने पति के पेट में दर्द होने पर उन्हें सुबह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपात चिकित्सा में भर्ती करवाया था, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के पूछने पर मरीज की पत्नी ने पेट दर्द होने पर पैरासीटामोल की गोली देने की बात कही। उसके बाद डॉक्टर ने मरीज की पत्नी से घर जाकर पैरासीटामोल गोली का पैकेट लाने को कहा। उसके कुछ देर बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और जाकर अपने कमरे में बैठ गया, लेकिन इस बीच मरीज की हालत और ख़राब हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर आए और चेक करके परिजनों को बताया कि आपके मरीज की मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतक की पत्नी ने कहा कि चिकित्सकों की लापरवाही से मेरे पति की मौत हुई है। वहीं हॉस्पिटल सह अधीक्षक का कहना है कि कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, परिजनों का आरोप निराधार है। महासमुंद से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जो फैमिली वालों ने जो हिस्ट्री दिया है उसके हिसाब से ये है, वो तो वही बता सकते हैं ना कि तीन के आरोपों को आपकी हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। डॉक्टर जैसे आए हैं उसको अटेंड किए हैं और नियमानुसार उसका इलाज किए हैं। डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो वो पास्ट हिस्ट्री भी पूछता है कि पूर्व में कोई दवाई ले रहे थे क्या, तो वो तो पूछना बनता है। तो डॉक्टर के जो एग्जामिनेशन पॉइंट में ही है वो प्रीवियस हिस्ट्री को लेना कि क्या पूर्व में कोई दूसरा दवाई ले रहे थे, क्या ले रहे थे, कहाँ इलाज चला था, ये देखा जाता है। उनके पास नहीं तो पैरासीटामोल को ब्रांड नेम से ले रहे होंगे, ये गलत है कि डॉक्टर इलाज नहीं करते। यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, जिला अस्पताल का डॉक्टर है, इंटर्न्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वाले हैं, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है, सब यहाँ पर इलाज के हैं। डॉक्टर ने पेशेंट को बाकायदा देखा है और उसके नोट्स भी हैं। आप लगते हैं भैया मौत का कारण मैंने बता दिया है, जिसमें डॉक्टर ने लिखा है क्रॉनिक अल्कोहलिक डिकम्पेंसेटेड लीवर डिसीज है और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ये इनका मुख्य कारण है। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक युवक की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। ये बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की, और पत्नी ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने युवक की मौत के बाद हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं हॉस्पिटल के सह अधीक्षक ने इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि कोई लापरवाही नहीं बरती गई है, परिजनों के जो आरोप है वो निराधार है। तो बड़ी खबर आपको बता दें महासमुंद से, जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हुई है। बता दें कि युवक की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया, जबकि हॉस्पिटल प्रशासन इन आरोपों को निराधार बता रहा है, गलत बता रहा है। तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां इलाज के अभाव में युवक की जान चली गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में पर्याप्त इलाज नहीं मिला है। वहीं हॉस्पिटल के सह अधीक्षक ने इन तमाम आरोपों को निराधार बता दिया। और दरअसल पेशे से शिक्षक 43 वर्षीय प्रभात गुप्ता निवासी रमन टोला की पत्नी काजल ने पति के पेट में दर्द होने पर उन्हें सुबह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया था। यहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के पूछने पर मरीज की पत्नी ने पेट में दर्द होने की बात कही और पैरासीटामोल गोली देने की बात कही, और इसी बीच डॉक्टर ने क्या इलाज किया जिसके बाद युवक की मौत हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संदीप अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, महासमुंद में एक डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, एक युवक की जान चली गई है, एक तरफ परिवार हॉस्पिटल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो हॉस्पिटल प्रशासन ने इन तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन सच्चाई क्या है बताइए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले के रमन टोला के रहने वाले जो व्यक्ति है प्रभात गुप्ता,
वो गैस की बीमारी से पीड़ित थे और घर में उन्होंने कुछ टेबलेट्स वगैरह ली थी, लेकिन उससे आराम नहीं मिलने के बाद उनकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी और उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसको देखते हुए उसकी पत्नी जो है काजल गुप्ता ने तत्काल जो है उनको लेकर वो मासूम जिला अस्पताल पहुंची थी और डॉक्टर को स्थिति से अवगत कराते हुए इलाज की मांग करने लगी जी। लेकिन डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज करने के बजाय उनसे सवाल जवाब करने लगी कि कब से बीमारी है, क्या दवाई उन्होंने ली, कब खाया, क्या खाया। जबकि उन्होंने बार बार गुहार लगाई कि तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, पहले इलाज कर दीजिए। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने जब उनको भर्ती किया और जो प्राथमिक उपचार किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जो मरीज है प्रभात गुप्ता उनको नहीं बचा जा सका और उनकी मौत हो गई। तो उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने जो तत्काल उनको इलाज देना था वो उनको देने में लापरवाही की, खाली सवाल जवाब करते रहे, पूछताछ करते रहे, जिससे इलाज में काफी विलंब हुआ और उनकी मौत हुई। अगर समय रहते उनका तत्काल इलाज करते शायद जिसके बाद उन्होंने उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग करने लगी। संदीप जी, डॉक्टरों का ये भी कहना है कि मृतक युवक कई दिनों से बीमार था, उनके पेट में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी थी, ये भी उन्होंने एक पक्ष रखा है। क्या ये सही है कि आपकी बात मृतक के परिजनों से हुई है? क्या मृतक के परिजन ये मानते हैं कि व्यक्ति पहले से गंभीर रूप से बीमार था और बीमारी के चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था? संदीप जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? ऊपर बताएंगे सर। संदीप जी, मेरा सवाल ये था कि हॉस्पिटल के जो अधीक्षक है उन्होंने ये कहा है कि जो मृतक व्यक्ति हैं उनको पहले से पेट में दर्द जैसी शिकायत होती रहती थी, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। क्या ये सही बात है? क्या आपकी परिजनों से बात हुई है कि ये सही बात है? परिजनों ने बताया कि उनको पेट में दर्द होता था लेकिन इतनी ज्यादा हालत खराब नहीं होती थी जी, और वो जो टेबलेट लेते थे वही टेबलेट ले रहे थे, लेकिन टेबलेट लेने आज अचानक उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब हुई, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर वो जिला अस्पताल लेके गए थे जी। लेकिन क्या ये माना जाए कि सही समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला? परिजनों की माने तो उनका आरोप यही है कि उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल इलाज देने के बाद डॉक्टर जो है सवाल जो आप कर रहे हैं कि कब इनका तबियत खराब हुआ, इन्होंने क्या गोली खाई थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था इस समय, इसके कारण उनका काफी समय बीत गया और काफी गुहार लगाने के बाद जब उनका इलाज किया गया प्राथमिक उपचार तब तक काफी लेट हो चुका था और उनके जो मरीज है उनको बचाया नहीं जा सका, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया कि उनकी लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां पर इलाज के अभाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और युवक के पेट में दर्द था, परिजन उसको हॉस्पिटल लेके गए लेकिन इलाज करने के बजाय डॉक्टर उससे पूछताछ करते रहे, व्यक्ति की हालत ज़्यादा खराब हो गई और आखिरकार व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये बड़ा सवाल है कि इमरजेंसी में व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं कर पाया गया। सवाल ये भी है कि क्या व्यक्ति को इलाज समय पर मिलता तो शायद उसकी मौत नहीं हो पाती। ये कई प्रकार के सवाल है, कई प्रकार के आरोप है जो डॉक्टरों पर लग रहे हैं और हॉस्पिटल प्रशासन पर लग रहे हैं।